हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके लिए कमाल का ट्रिक लेके आया हूं जिसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सर। लेके आया हूं बहुत ही कमाल का ट्रिक है जिससे आप बहुत ही इजीली आप समझ भी जाओगे और इजीली आंसर भी निकाल पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, देखिए आपको मैं सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको दूंगा शॉर्ट ट्रिक दूंगा। कंसेप्ट में पहले हम सीखेंगे कि एलिगेशन मिक्सर होता क्या है, वो हम सीखेंगे कहानी के माध्यम से सीखेंगे। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव के बहुत बड़ा व्यापारी था जो चावल का व्यापार करता था। उसके पास चावल दो किस्म के थे, एक था 60 रुपए वाला किलो और एक था 30 रुपए वाला किलो। अब एक बार ऐसा हुआ कि उस व्यापारी के कोई भी चावल बिक नहीं रहे थे। काफी वो टेंशन में था कि कैसे इसको बेच पाऊं मैं। तो उसने दिमाग लगाया, उसने तो उसने क्या किया, 60 रुपए किलो चावल में से 500 ग्राम निकाल लिया और 30 रुपए किलो वाले चावल में से 500 ग्राम निकाल लिया और दोनों को मिलाकर 1 किलो बना दिया। तो आप बताइए, 30 रुपए किलो में से 500 निकाल लिया तो 15 रुपए हुए और 60 रुपए किलो में से 500 ग्राम निकाल लिया तो कितना हुआ, 30 रुपए हुआ। दोनों मिला के 1 किलो हो गया तो भाव कितना हो गया, 45 रुपीस हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो इंसान जो 30 रुपीस किलो वाले चावल को बेकार चावल बोलते थे, 45 रुपीस का चावल उनको अच्छा लगेगा और खरीद लेंगे वो, और जो 60 रुपीस के चावल को महंगा बोलते थे वो सस्ता समझ के ये खरीद लेंगे। इस तरह से उस व्यापारी ने अपने चावल को बेच दिया। ये क्या है, ये है मिक्सर है। इस तरह से बताया गया आपको मैंने कि दो क्वांटिटी को अगर आप मिलाकर तीसरी क्वांटिटी बदल देते उसे बोलते हैं मिक्सर। अब रहा एलिगेशन। अब एलिगेशन मतलब क्या होता, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपने 1 किलो का मिक्सर बनाया है उसका रेशियो क्या था, किस रेशियो में उसे मिलाया गया, उसे बोलते एलिगेशन, जो आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते, देखिए पहला सम आपके लेके आया हूं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें दिया है, इन व्हाट रेशियो अ शॉपकीपर शुड मिक्स द राइस ऑफ रुपीज 60 पर केजी इन द राइस ऑफ रुपीज 50 पर केजी सो दैट द अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम्स रुपीज 64 केजी। कहने का मतलब यह है कि एक दुकानदार के पास दो टाइप के चावल थे, एक था 60 रुपीज वाला चावल था और एक 50 रुपीज वाला चावल था। अब क्या किया दुकानदार ने, दोनों को मिला लिया और 64 रुपीज वाले चावल बना लिए उसने। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि जो 64 रुपीज वाला चावल बना है वो कैसे बना, किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया जिससे 64 रुपीज वाला चावल बन गया, वो रेशियो को फाइंड करना है। तो उस रेशियो को फाइंड करने में आपको एलिगेशन मेथड याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए एलिगेशन मेथड, देखिए आप ऐसे करोगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज रखिए, बड़े को छोटे से माइनस करेंगे तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 64 बड़ा है, तो 64 में से 60 माइनस करोगे तो क्या होगा, 4 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इस साइड माइनस करें क्रॉस के अंदर, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 64 बड़ा है, 64 बड़ा है तो क्या करोगे, 64 में से 50 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 14 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखोगे आप कि ये दो नंबर और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 27 जा 14 होगा और 22 जा 4 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, 7:2 रेशियो में इन दो चावल को मिक्स किया गया था जिससे 64 रुपीस वाला चावल बनाया था। तो ये आंसर आ गया, 7:2 आ गया। चलिए और एक सम लेते हैं हम लोग जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों आपके लिए सेकेंड सम लेके आया हूं। देखिए ये सेकेंड सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट छुपा है, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट क्या है आपको पता चल जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, इन व्हाट रेशियो द वाटर शुड बी एडेड इन द मिल्क ऑफ रुपीज 28 पर लीटर सो दैट द वैल्यू ऑफ मिक्सचर बिकम्स रुपीज 21 पर लीटर। मतलब क्या क्या दिया है इसमें, देखिए इसमें यह कहा गया है कि 28 रुपीज पर लीटर के मिल्क के अंदर कितने रेशियो में पानी मिलाया है जिससे जो मिक्सर बना है वो 21 रुपीज पर लीटर बन चुका है। तो लिख देते हैं यहां पर, देखिए मैं यहां पर मिल्क लिखता हूं और यहां पर देखिए वाटर लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा, मिल्क जो है वो 28 रुपीज पर लीटर का है, ठीक है, और जो मिक्सर बना है वो क्या है, 21 रुपीज पर लीटर का मिक्सर बना है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कंसेप्ट था वो आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। देखिए वो कंसेप्ट था कि पानी तो इसमें दिया ही नहीं है, तो पानी दिया नहीं है तो कैसे करोगे। तो आप दिमाग लगाइए कि दूध वाला पानी क्यों मिलाता है, प्रॉफिट के लिए, और पानी का अगर पैसा देना होता उसको अगर, तो क्या पानी मिलाता हो,
नहीं मिलाता। तो पानी क्या है, फ्री में आता है, इसलिए तो पानी मिलाता है वो। तो पानी फ्री में आता है मतलब देखिए, जब यहाँ पे नहीं दिया होगा तो जीरो ही लिखोगे, मतलब पानी का कोई कीमत नहीं है, तभी तो दूध वाला पानी मिलाता है। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रह जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे क्रॉस में, देखिए जो एलिगेशन मेथड है। अब देखिए इन दो में से बड़ा कौन है, इन दो में से ये बड़ा है, तो 28 में से 21 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। और देखिए इन दो में से बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, तो 21 में 0 जाए कितना बचेगा, 21 ही बचेगा। क्लियर हो गया, तो क्या ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। 7 3 जा 21 7 1 जा 7, मतलब 3:1 में जो रेशियो था इस सम का, जो क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर कि किस रेशियो में दूध में पानी मिलाया है, वो रेशियो था 3:1 था। तो यही कंसेप्ट सिखाना था आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, अब ऐसे सम लेने जा रहा हूं मैं जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक सम लेके आया हूं। देखिए ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कंसेप्ट है जो सीखना आपको जरूरी है, वो कंसेप्ट क्या है आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखिए इसमें दिया क्या है, देखिए इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 पर केजी एंड ₹65 पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹68.20 पर केजी ही मे गेन 10%, उसे 10% का प्रॉफिट होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या बताया गया है, दो टाइप का टी दिया है, एक है ₹60 पर केजी और एक है ₹65 पर केजी। अब दोनों को मिलाकर एक मिक्सर बनाया गया है, उसकी कीमत जो है 68.20 पैसे है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको लेके करोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, यही कंसेप्ट आपको सिखाना था। क्यों रॉन्ग आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 10% प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 10% प्रॉफिट आप इंक्लूड बिना लिखोगे तभी आंसर आएगा। तो क्या करोगे, देखिए आपको समझाता हूं कि जो यहां पे अमाउंट दिया है ये 10% प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 10% प्रॉफिट इंक्लूड नहीं किया था तो कौन सा अमाउंट था, वो अमाउंट हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे उसको x लिखेंगे, ठीक है, जो अमाउंट हमें नहीं पता था। अब देखिए यहाँ पर मैंने 110 लिखा, 110 क्यों लिखा, देखिए 100 में 10% प्रॉफिट है इसलिए 110 लिखा, क्लियर है। और परसेंटेज की बात आएगी तो 100 तो नीचे आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 68.20 लिख लेता हूं मैं, ये क्लियर हो गया। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 68.20 लिखा मैंने यहां पर, अब देखिए ये जो 10 जो डिवाइड में है इधर आया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर मैं 10 लिख लेता हूं। अब देखिए यहां पर जो 11 जो मल्टीप्लाई में था वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पर 11 लिख लिया इक्वल टू एक्स लिख लिया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर पॉइंट था, तो एक दो नंबर का पॉइंट है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, 20 लगा दूंगा, मतलब 100 लिख दूंगा, ये क्लियर हो गया। अब 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 11 6 66 होता है, तो 2 रिमाइंडर हुआ तो 22 हो गया, 11 2 22 हो गया। तो देखिए एक्स क्या आ गया मेरा, 62 आ गया, तो इसको लेके करोगे तो रॉन्ग आएगा, क्या लेना पड़ेगा आपको, आपको लेना पड़ेगा यहां पर 62 लेना पड़ेगा, क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते, देखिए अब क्या करेंगे, इसको गोल बना देता हूं और देखिए क्रॉस में माइनस करूंगा। चलिए अब देखिए इन दो में से बड़ा कौन है, 62 बड़ा है, तो 62 में से 60 निकालो कितना बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। और देखिए इन दो में से बड़ा कौन है, बड़ा 65 है, तो 65 को 62 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होंगे तो रेशियो कौन सा होगा, 3:2 आपका रेशियो होगा, जिससे क्या होगा इन दो को इस रेशियो में बांटा होगा तभी उस मिक्सर को बेचने पर 10% का प्रॉफिट उसे मिला होगा, ठीक है। तो चलिए और एक सम करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों आपके लिए आखिरी सम लेके आया हूं, देखिए इसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। देखिए इस वीडियो के अंदर जो भी सम लेके आया हूं देखिए आपके लिए, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर है आपने। चलिए शुरू करते हैं, ये आखिरी सम शुरू करते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस
कॉस्टिंग ₹15 पर केजी एंड ₹20 पर केजी रेस्पेक्टिवली, सो दैट टू गेट अ मिक्सर वर्थ ₹16.50 पर केजी। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया है। देखिए चलिए स्टार्ट करते। देखिए दो टाइप के कौन है पल्सेस। देखिए यहाँ पे ₹15 पर केजी का पल्सेस है और ₹20 पर केजी का पल्सेस है। क्लियर हो गया। अब क्या किया, दोनों को मिलाकर एक मिक्सर बनाया गया जिसका प्राइस है 16.50 पैसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हम निकालेंगे एलिगेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, इससे हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या बताना जा रहा हूं। देखिए इन दो में से बड़ा कौन है, इन दो में से बड़ा देखिए 16.50 पैसे है, तो माइनस कीजिए क्या हो जाएगा, 1.50 पैसे हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए इन दो में से बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, तो देखिए 20 में से 16.50 आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 3.50 पैसे हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज। अब देखिए इसको कैसे आप उसको सिंप्लीफाई करोगे वो आपको सिखाना था, ये एक कंसेप्ट था। कैसे करोगे, देखिए यहां पर देखिए एक दो के बाद यहां पर पॉइंट है, यहां पर भी एक दो के बाद पॉइंट है, मतलब यूनिट टेंस 100, यूनिट टेंस 100। क्या करोगे, दोनों सेम है तो अपने आप पॉइंट कट जाएगा, ये आपको सिखाना था। तो इजी हो गया, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 7 35 हो गया, 5 3 15 हो गया, तो रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो आ गया 7:3 हमारा रेशियो आ गया। चलिए ये हो गया हमारा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक आपके कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए बना सके। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाया तो बिल्कुल ना भूलिएगा, कि बेल आइकन नहीं दबाओगे आप तो जो भी लेटेस्ट वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक नहीं मिलेगा। तो साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, और एक नया चैनल चालू किया हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए, उसको सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।